तो आई, आई हमारी होती है फॉर साइट, देखने के लिए। अब आई के ऊपर देखो, पहले आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आई लिड होती है ये पलकें, उसके बाद आई लैशेस और ये आई ब्रो। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो चीजें हैं आई की, ये जो पार्ट्स हैं वो आई को डस्ट से और स्वेट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम इंटरनल स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो ये कॉर्निया, ये है आइरिस, ये है लेंस, ये है ऑप्टिक नर्व और ये है रेटिना। तो हम अलग अलग उसका स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या काम है। तो पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? दैट कवर्स फ्रंट ऑफ अवर आई, जो आगे आगे का जो पार्ट हमें दिखाई देता है, देखो आगे आगे जो दिखाई देता है वो होता है कॉर्निया। दूसरा है आइरिस। आइरिस का क्या काम है? दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स ऑफ अवर आई, जो हमारी आई में लाइट आती है वो कितनी अमाउंट में आनी चाहिए वो कंट्रोल करने का काम आइरिस का है। थर्ड वन इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? जो हमारी आंख के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट दिखाई देता है ना, वो होता है प्यूपिल। इट इज वेरी स्मॉल, इट गेट्स वेरी स्मॉल इन ब्राइट लाइट, यानी कि जब ब्राइट लाइट आती है, बहुत तेज रोशनी होती है, तो ये छोटा हो जाता है, और जब डल लाइट आती है, हल्की रोशनी में, ये बड़ा हो जाता है। अब उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या है? इट इज द लेंस ऑफ अवर आई, ये हमारा लेंस है। जैसे आपके चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में लेंस लगे रहते हैं ना, इसी तरीके से ये लेंस है। इसके अंदर टू सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड्स और एक होती है कोन्स। तो जो रॉड्स है उसका काम है वो हमको ब्लैक और व्हाइट कलर का ज्ञान कराती है, कोन्स हमको कलर, जो कलर है बाकी और जो कलर है उनका ज्ञान कराती है। और ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? ऑप्टिक नर्व नर्व से समझ में आ रहा है कि ये मैसेज देने का काम करती है। क्या करती है? मैसेज फ्रॉम रेटिना। रेटिना से जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी पिक्चर रेटिना के ऊपर बनती है, रेटिना को से लेकर के वो मैसेज ब्रेन में देती है, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पिक्चर को कि क्या पिक्चर है या क्या फिगर है या क्या लिखा हुआ है या कौन सी चीज है वो हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो भी फिगर हम देखते हैं वो रेटिना के ऊपर उसका फॉर्म होता है, पिक्चर फॉर्म होती है। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व मैसेज देती है ब्रेन को और फिर हमें वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईयर्स। तो ईयर्स में अभी आप कंटिन्यू करती हूँ।